तो माइनक्राफ्ट में आज तक जितने भी वर्जन हैं उनमें हजारों ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम एक प्लेयर को ट्रैप कर सकते हैं, लेकिन आज मैं अपने एनिमी को ट्रैप करने के लिए यूज करूंगा एक मैप का। हाँ सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। तो नाउ हियर कम्स द मेन क्वेश्चन कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ और करने कैसे वाला हूँ। तो इस कहानी को अच्छे से जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ टाइम पीछे। तो रिसेंटली लॉन्च हुई है स्विफ्ट SMP जहाँ पर मैं काफी दिनों से खेल रहा हूँ, और कुछ ही दिनों पहले केव्स ने मेरे को मैसेज करा और कहा, हेलो एंग्री, मेरे को तेरी हेल्प चाहिए एक प्लेयर को मारने में। और एक फ्री किल की लालच में मैं बिना कुछ सोचे समझे केव्स के पास चला जाता हूँ, एंड ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ तो किसको मारने के लिए बुलाया मेरे को यहाँ पर? अभी बताता हूँ, ये घास देख रहे हो? हाँ हाँ, यहाँ पे मैं आपको इसलिए लाया क्योंकि यही ट्रैप है। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये तो बताओ ना मारने किसको है? अरे एंग्री, जिस प्लेयर को मारने है वो और कोई नहीं, तू ही है। हाँ? भले ही मैं केप्स के उस ट्रैप से बच गया था, लेकिन किसी तरीके से केप्स मेरे को मार देता है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी और बुरा क्या हो सकता था, राइट? तो एंग्री, तेरे को यहाँ से निकलने के लिए एक मेरा काम करना पड़ेगा। ठीक है बताओ भाई। तो तेरे को 72 घंटों के अंदर अंदर मेरे लिए साइलेंस आर्मर ट्रिम लेके आनी है, लेकिन अगर तेरे से काम नहीं होता है तो मैं एडमिन के थ्रू तेरे को बैन करवा दूंगा। सो इफ यू आर वंडरिंग कि केव्स मेरे को टास्क दे क्यों रहा है और मेरे को करना क्यों है, वेल बेसिकली स्विफ्ट SMP में लगा है हेडसेल का प्लगइन जहां पर आप लोगों के हेड्स ले तो सकते हो, लेकिन आपके पास जिसका हेड है आप उसे कोई भी टास्क दे सकते हो, जिसे कि हम कहते हैं IOU, एंड अगर वो बंदा वो टास्क नहीं करता है तो वो सर्वर से डायरेक्ट बैन हो जाता है। एंड करेंटली मेरे को केव्स को एक साइलेंस आर्मर ट्रिम ला के देना है, बट द प्रॉब्लम इज कि स्विफ्ट SMP का वर्ल्ड बॉर्डर काफी ज्यादा छोटा है, जिसमें सिर्फ 3 एंशिएंट सिटीज ही एग्जिस्ट करते हैं, एंड उन तीनों में से किसी एक में साइलेंस आर्मर ट्रिम होना ही चाहिए। नहीं है। नहीं है मतलब? अरे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो इट टर्न्स आउट कि किसी ने ऑलरेडी इन सारी एंशिएंट सिटीज को लूट लिया था, और थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद हमें पता चल जाता है कि वो है स्पैरो भाई, एंड ये जानते ही मैं चला जाता हूँ स्पैरो भाई के पास वो आर्मर ट्रिम लेने। हाँ भाई मैं आ गया भाई। ओ देखो साइलेंस आर्मर ट्रिम के लिए मेरे को कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज तो बताओ कि मेरे को देने का भी मन करे भाई। आप ऐसी महंगी चीज ऐसे चिंदी पने मांगोगे आप मुझसे, कैसे दूं मैं आपको? चलो ठीक है फिर मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा। एक काम करो, मुझे प्रोटेक्शन 4 की 4 बुक्स दो, ठीक है? नहीं 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 वेट रुको, 12 बुक्स दो मुझे प्रोटेक्शन 4 की, ठीक है? ओके फिर आप मेरे को साइलेंस आर्मर ट्रिम दे दो और फिर मैं आपको बुक्स ला के दे दूंगा। आर्मर ट्रिम एंग्री भाई, मैं बोल रहा था कि आपसे एक काम कराने के लिए मुझे नहीं लगता मुझे आपको ये ट्रिम देना पड़ेगा। मतलब आप मेरा आर्मर देख रहे हो कितना बढ़िया है, आपसे ज्यादा पावरफुल। स्पैरो भाई मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप वो आर्मर ट्रिम देने आए हो। मैं तो बोल रहा हूँ आपको सही लग रहा है। तो फिर ठीक है मैं बट हेलो हेलो स्पैरो भाई, क्या चल रहा है भाई? एंग्री भाई। अरे एंग्री भाई, आपको तो ट्रिम लाने के लिए बोला था, यहाँ कैसे? देखो स्पैरो भाई, मैं तो बस ट्रिम लेने आया था, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? अरे वो इसलिए काम कर रहे हैं स्पैरो भाई, उस ट्रिम को जला लेते हैं ना। नहीं 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 नहीं, क्या कह रहे हो भाई? जला देते हैं। देखो मैं तो कह रहा हूँ आप वो ट्रिम ना मेरे को दे दो। भाई अरे पकड़ो ना, क्या कर रहे हो? सॉरी 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 भाई, ये बच के नहीं जाना चाहिए, बच के नहीं जाना चाहिए। ओके मेरा मेरे को पता था तुम्हारा यही प्लान है। एंग्री भाई आप नहीं जा सकते, बहुत हो गया आपका। तुम्हें क्या लगा था मैं बिना प्लान के आऊंगा क्या? सर भाई आपकी प्लान है, मेरे को पता है आपकी प्लानिंग इतनी। अरे कहां गए पकड़ो ने? अरे कितने पल्स है उनके पास? कैसे पुल? अरे भाई एक सेकंड, शिट। अरे क्या हो गया, स्टेसिस वर्क नहीं करा गया? देखो देखो स्पैरो भाई देखो, सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसे हमारे बीच में दुश्मनी हो जाएगी, तो यू नो मारने का अच्छा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। चलो ठीक है मैं मार देता हूँ फिर, हमारी तो पहले ही है। एंग्री भाई स्पैरो भाई मारो, हो गए पल खत्म हो गया लग रहा है। नहीं तो एक छोटी सी गलती के कारण जहाँ मैं एक प्रॉब्लम फिक्स कर रहा था वहाँ एक नई प्रॉब्लम बन गई थी, क्योंकि स्पैरो भाई मेरे को जो टास्क देने वाले हैं वो मैं कभी भी नहीं कर सकता। ओके सुनो, अब हम आपको टास्क दे रहे हैं, आपको रॉबी भाई का हेड लाना है। नहीं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता मैं। देखो IOU है, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो भाई एडमिन को आप काम नहीं कर रहे। देखो सुनो एंग्री भाई, मैं आपको टाइम तो दे रहा हूँ, आप जितना टाइम चाहो उतना लो, क्योंकि मुझे हेड चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है? और अगर आपने काम नहीं करा तो फिर तो आप वैसे भी बैन हो ही जाओगे, तो हेड तो आपको आना पड़ेगा मेरे पास। दे दो भाई इनको, इनका सामान दे दो। लो भाई सामान और जल्दी जाओ काम करके आओ। और ये लो भाई दो गाजर मेरी तरफ से।
स्पैरो भाई के हिसाब से मेरे को अपने टीममेट का हेड लाकर उन्हें देना है, मतलब कि मेरे को अपनी पूरी टीम को बिट्रे करना पड़ेगा, जो कि मैं ऑब्वियसली नहीं कर सकता। लेकिन अभी उससे भी इम्पोर्टेंट, मेरे को केप्स को एक दिन के अंदर अंदर वो साइलेंस आर्मर ट्रिम ला के देना है, वरना मैं इस सर्वर से परमानेंटली बैन हो जाऊंगा। अबे ऐसे कैसे बैन हो जाएगा अबे तू? मतलब? अरे मतलब कि मैंने इस एडमिन से इस सर्वर का वर्ल्ड बॉर्डर एक्सपैंड करा दिया है, समझा? अब जाओ और जाके एंशिएंट सिटी लूट के वो साइलेंस आर्मर ट्रिम ले ले फटाफट। ओके सो नाउ एवरीथिंग इज डन, मैंने केप्स को कॉर्ड्स भी मैसेज कर दिए हैं, और जब केप्स यहाँ पर आके ये चेस्ट खोलेगा तो उसे मिलेगा एक सब्सक्राइब बटन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं रॉबी से लगा रहा हूँ 50 के सब्सक्राइबर्स की रेस, और करेंटली मैं बहुत ज्यादा पीछे हूँ। एंड इस वीडियो के पहले दिन ही जो कमेंट कर मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करेगा उसे मिलेगा बेस्ट कमेंटर का रोल, जिससे कि आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। तो स्पोटो भाई की मदद से मैंने केप्स का टास्क तो कर दिया था, साथ ही साथ मैंने उन्हीं की मदद से केप्स का हेड भी ले लिया था, एंड नाउ मेरे को इन दोनों का भी हेड चाहिए। बट द क्वेश्चन इज कि वो मैं कैसे करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे को रॉबी का हेड स्पैरो भाई को देना है। लेकिन रॉबी आर यू श्योर ना कि वो प्लान वर्क करेगा? अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, सुन मैं तेरे को दोबारा से एक बार बता देता हूँ हमें वहाँ क्या करना है, ठीक है? तो देख बेसिकली जब तू स्पैरो भाई के पास जाएगा एंड तू उनको मेरा हेड देगा, तब स्पैरो भाई वहाँ से मेरा हेड लेके जा ही रहे होंगे। तब तुझे क्या करना है, तुझे स्पैरो भाई को रोकना है और बोलना है कि स्पैरो भाई मुझे वो हेड वापस करो, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तब मेरे प्रेडिक्शंस के हिसाब से स्पैरो भाई तुझे वो हेड वापस कर देंगे। एंड तब क्या करना है मेरे को? तब तुझे दिमाग लगाना है। भाई हंसने वसने का टाइम नहीं, जल्दी रिकॉर्डिंग ऑन करो और जल्दी दो वापस। क्या वापस ही आपको भाई? ये फालतू की बातें बंद करो, वो हेड वापस दो नहीं तो बैन कर दूंगा। ओ रॉबी का हेड कह रहे हो क्या आप? देखो स्पैरो भाई, एज पर द IOU मैंने आपको हेड दे दिया था, ठीक है? एंड वो आपने मेरे को वापस दे दिया, तो IOU कंप्लीट हो चुका है। यार एंग्री भाई, आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आपसे बेटर आर्मर है मेरे पास, आपको मैं चाहूँ तो यही मार सकता हूँ। वो तो तब ना स्पैरो भाई जब एंग्री यहाँ पर अकेला होगा। स्पैरो भाई आपको याद है ना आपने क्या किया था मेरे साथ लास्ट टाइम, याद है ना? तो वही सेम चीज अब मैं आपके साथ करने वाला हूँ। अच्छा अरे आपको लड़ना है क्या? रॉबी पकड़ो उन्हें जल्दी। ओ मार दिया क्या? लेट्स गो। ओके ओके हेड का उनका, हेड दो हेड दो हेड दो हेड दो। तो समहाउ मैंने स्पैरो भाई को एक काइंड ऑफ स्टूपिड प्लान से स्कैम करके मार दिया था, एंड अब टाइम था उनका हेड यूज करके उन्हें एक टास्क देना। ओके तो स्पैरो भाई आप सेवियर हो ना, एक काम करो, आज से लेके आपको तब तक बिना आर्मर में रहना है जब तक मैं आपको बुलाता नहीं हूँ। और ये बात आप याद रखना कि जिस दिन मैं आपको बुलाऊंगा उस दिन आप जुप्पे भाई को साथ में लेकर आना। अरे तो इसमें सेवियर की क्या बात है? देखो अगर आप अभी ये टास्क करने से मना करते हो तो जब भी हम जुप्पी भाई को मारेंगे हम उनका हेड अपने पास परमानेंटली रख लेंगे, और इन एक्सचेंज हम आपको यहाँ से आर्मर के साथ जाने देंगे। बताओ भाई क्या करना है आपको? मैं जुप्पी भाई को लेके आ जाऊंगा। दरवाजा खोल दिया जाए दोस्तों। यप चॉइस आपकी बहुत अच्छी है। तो मस्ती मजाक में मैंने इतने बड़े बड़े डायलॉग तो मार लिए, लेकिन अब सवाल ये आता है कि स्पैरो भाई को ये टास्क देने का मोटिव क्या था। वेल बेसिकली जहाँ पर भी मैं जुप्पी भाई और स्पैरो भाई को बुलाने वाला हूँ वहाँ पर रहेगा एक ट्रैप, एंड वो कोई ऐसा वैसा ट्रैप नहीं होने वाला है, वो ट्रैप होगा बिल्कुल इनविजिबल जिसको वो देखे बिना ही मर जाएंगे। आई नो ये काफी सिंपल साउंड कर रहा है, लेकिन इस ट्रैप को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना होगा एक लोकेशन, जो कि मैंने काफी जल्दी ढूंढ लिया है रॉबी के कुछ इलीगल सीक्रेट ट्रिक्स की मदद से। एंड नाउ हमें यहाँ पर एक रूम बनाना है जिसके बगल में होगा एक और रूम, और वहां पर हमें रखना है एक एल्डर गार्डियन। सच्ची में? हाँ वही तो है ट्रैप के लिए मेन। अबे यार तेरे को पता है ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर मेरे को इन सब जगह पे क्यों बुलाता है? देख एंग्री मैं नहीं कर सकता ये सब, ठीक है? मुझे बहुत ज्यादा वो भेज दिया, भेज दिया, लेट्स गो। गया 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 ऑक्टोपस की शक्ल की, पहुंच गया, लेट्स गो। तो अब अगर हमें ट्रैप को इनविजिबल बनाना है तो हमें जरूरत पड़ेगी एक मैप की। वेल बेसिकली एक मैप में हम कोई भी इमेज डाल सकते हैं, तो इफ मैं उसमें एक स्नो का इमेज डाल दूंगा तो वो उस जगह पर बिल्कुल ही कैमोफ्लाज हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज इसको करने के लिए हमें सर्वर पर एक प्लगइन आना पड़ेगा, और लकीली मॉडरेटर से बात करती है वो काफी इजीली मान जाता है, एंड कुछ ही देर में हमारा प्लगइन सर्वर पर आ चुका था। ओके तो मैं अभी सर्वर पर आ गया हूँ, एंड अगर वो प्लगइन वर्क कर रहा है तो मैं ये कमांड टाइप करूंगा। ओके नाइस परफेक्ट, तो मैप का कमांड ये रहा एंड मेरे को मिला सेटिंग इमेज, वो मिल गया। इसको मैं अगर इधर लगाऊं, यस ये वर्क कर रहा है, लेट्स गो। तो इस प्लगइन की मदद से मैं कुछ ही देर में अपना ट्रैप रेडी कर देता हूँ, एंड अब टाइम था स्पैरो भाई को यहाँ बुलाने का। कहाँ हूँ, जल्दी आओ भाई, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। अरे बस पहुँच गए यार, आ रहे। ओ तुम्हारा नेम टैग दिख रहा है, आ जाओ जाओ भाई जल्दी आओ। एक सेकंड। पैरो भाई आपने आर्मर क्यों पहना है? भाई मेरा आर्मर है, मैं कुछ भी करूँ आपको क्या मतलब उससे? अरे आपको नहीं पता क्या IOU जो मैंने आपको दिया था? आपने IOU में बोला था जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक आर्मर मत पहनना, आपने बुला लिया मैंने आर्मर पहन लिया। वो सब छोड़ो, हमें पता चला कि आपके पास केप्स भाई का हेड है। हाँ तो करना क्या है तुम लोगों को उसका? करना तो कुछ नहीं है, बस हेड चाहिए, हेड दे दो। ओके ओके हेड दे दो,
ब्लड तो नहीं मिल पाएगा तुमको किसी भी तरीके से। इतनी आसानी से तो नहीं भाग रहे भाई। मरने वाले भाई, वो मरने वाले, पकड़ो जल्दी से। ओके आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ भाई, गोल घुमा रहा है भाई 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 आओ ना, कहीं पर भी घुमाऊं मैं। ओके अबे व्हाट, लेट्स गो। अबे अबे व्हाट द, ये क्या चीज है भाई, ये कहां गए? अरे वेट, अरे माइनिंग पत्ती क्या, ये क्या चीज है भाई, इनफिनाइट रूम है क्या, निकलेंगे कैसे यहाँ से? नो, एक सेम ब्लॉक को माइन करने का ट्राई करो। नहीं टूटा है वो भाई, क्या है एंग्री भाई है? पर भाई देखो अब आप हाँ। कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? एंग्री भाई, ये क्या चीज है भाई, निकल यार, क्या यार फालतू के गेम खेलने भाई, इनको बताओ। देखो स्पैरो भाई, निकल तो नहीं सकते वहाँ से, लेकिन एक तरीका है एक्चुअली निकालने का, निकालू आपको वहाँ से? अरे जो भी करना है जल्दी करो यार। ओके फिर एज यू विश। What? Okay, let's अबे go. भाई। अबे ये क्या भाई? Okay, एक सेकंड। Okay, तुम लोग कॉम्बैट में थे ना, एक सेकंड मेरे इन्वेंटरी में। Let's go. Oh my God, मेरे पास तुम्हारे हेड्स आ गए।